नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। नागपुर यशवंत स्टेडियम इलाके में पुलिस विभाग के वाहनों पर सबसे बड़ी कार्रवाई। नागपुर शहर के यशवंत स्टेडियम के पास यातायात विभाग की बड़ी कार्रवाई। अब यशवंत स्टेडियम के पास आपने अगर कार पार्किंग की हो तो आपका चालान कटेगा। 25 तारीख से नागपुर शहर का यातायात विभाग शहर में बढ़ते वाहनों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कड़े इंतजाम कर रहा है, जिसके चलते चौपहिया वाहनों पर यातायात विभाग की कार्रवाई बढ़ रही है। नागपुर शहर के यशवंत स्टेडियम इलाके में नागपुर का यातायात विभाग चौपहिया वाहनों पर नो पार्किंग की कार्रवाई करते हुए कई वाहन धारकों पर चालन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नागपुर का यशवंत स्टेडियम का इलाका वैसे तो बाहर राज्यों से और राज्यों के अन्य जिलों के आने वाले वाहनों की केवल वाहन पार्किंग ही का इलाका बन गया था, जिसके चलते यशवंत स्टेडियम के चारों ओर केवल और केवल चौपहिया वाहन की पार्किंग ही दिख रही थी, जिसके चलते नागपुर पुलिस विभाग का यातायात विभाग कार्रवाई के लिए सवालों के घेरे में बना रहता था। लेकिन 25 फरवरी के दिन यातायात विभाग की ओर से इन पार्किंग में खड़े वाहनों पर चालान की कार्रवाई कर अंजाम दिया गया, जिससे आज नागपुर का यशवंत स्टेडियम का इलाका पूरी तरह से चौपहिया वाहनों से नदारद रहा। यशवंत स्टेडियम के इलाके में आने वाले लोगों को इन वाहनों पर हुई कार्रवाई से राहत मिली। नागपुर पुलिस विभाग का यातायात विभाग सख्ती से अगर कार्रवाई करता है तो वह कार्रवाई आम जनता के लिए ही होती है। विभागों की ओर से होने वाली कार्रवाई को देखने का हमारा नजरिया अलग होता है, लेकिन यह कार्रवाई भी आम जनता को राहत के लिए ही होती है। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।